नमस्कार, मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM श्री राधेश्याम आर मुरार का, गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। आज हम BCOM पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर सेकंड इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध पेपर सेकंड में इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत यूनिट संख्या इकाई संख्या सेकंड में सर्वव्यापी बैंकिंग के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का आज हम अध्ययन करेंगे, जो कि है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जैसा कि नाम से प्रचलित है, आपने इस योजना के बारे में पहले भी पढ़ा होगा। पूर्व के वीडियो में हमने अध्ययन किया था सर्वव्यापी बैंकिंग के अंतर्गत ग्राहकों को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाएं बैंक के माध्यम से, जैसे ATM सुविधा, इंटरनेट सुविधा, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एनीवेयर बैंकिंग और भी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। उसी पार्ट में बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है, इसका हम अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इस प्रकार से पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना पर निबंध लिखिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना में हम मूलभूत से बात करें कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी परिवेश में रहने वाले लोगों, निर्धन परिवार के लोगों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने से है। प्रधानमंत्री जो कि भारत के लोकप्रिय उत्साही एवं युवा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को 15 अगस्त 2014 को लाल किले में इस योजना की घोषणा की। लाल किले दिल्ली से इस योजना की घोषणा की। इस योजना में मुख्यतया हम बात करें कि बैंकिंग, इस योजना में ये घोषणा की गई कि देश के गरीबों के उत्थान के लिए उनके बैंकिंग सेक्टर में, उनको बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ की। मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं उनको बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, उसके लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना लागू की गई। इसके बाद 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना लागू कर दी गई। कई बार GK में आपके ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू की गई, तो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रधानमंत्री के द्वारा लागू की गई। अब हम बात करें यह योजना वाकई में कारगर सिद्ध हुई, क्या इस योजना की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इस योजना में रहने वाले ग्रामीण परिवेश, शहरी परिवेश में वाकई में क्या लाभ मिल पाया, नहीं मिल पाए, या फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना कारगर सिद्ध हुई, या प्रधानमंत्री जन धन योजना में लोगों को क्या क्या लाभ मिले, इस प्रकार से हम अध्ययन करेंगे। अब इसी क्रम में हम अध्ययन करेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना। जैसा कि आपको ये भी है मालूम था कि जब प्रधानमंत्री जन धन योजना
बैंक में लागू की गई। तो जीरो बैलेंस में खाता खोला गया, किनका, जो गरीब परिवार से थे उनको इस प्रकार से सुविधा लागू की गई कि वो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ें। अगर बैंकिंग सेक्टर से जुड़ेंगे तो वो लेन देन करेंगे और बचत प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो यह जब प्रधानमंत्री जन धन योजना लागू की गई तो अकाउंट खुलाने की प्रक्रिया क्या रही, बिल्कुल सरल। तो एक तो इसकी ये विशेषता है, इसकी बहुत ही सरल प्रक्रिया है, सिंपल प्रोसेस, प्रधानमंत्री जनधन योजना। दूसरे, शून्य राशि से बचत खाता खोलना, शून्य राशि से बचत खाता खोल, जीरो बैलेंस से इस खाते की शुरुआत की गई। जीरो बैलेंस में खाता जब खोला गया तो इस खाते में मुख्यतया कई चीज़ें लागू की गई, जिसमें आपका 12 रुपये का बीमा भी बनाया गया, जिसमें आकस्मिक कोई भी दुर्घटना होने पर प्रधानमंत्री के द्वारा बीमा जो राशि है वो बीमाधारी को दी जाए। जीरो बैलेंस राशि से अकाउंट जब खुले तो लगभग 30 करोड़ अकाउंट खोले गए। कितने करोड़? 30 करोड़ अकाउंट जब खुले तो ग्रामीण परिवेश में प्रत्येक व्यक्ति के पास बचत खाते में बढ़ोतरी हुई। बैंकों में भी काफ़ी सरल प्रक्रिया हुई, जिससे प्रत्येक व्यक्ति बैंक के माध्यम से आसानी से पैसा जमा करा सकता था। और इस पे उपयुक्त ब्याज दर का भी डिसाइड किया गया कि जमा पर टोटल 4% ब्याज भी दिया गया इस योजना के अंतर्गत। आगे इसी विशेषताओं की बात करें, खाता खोलने में कोई भी लेन देन शुल्क नहीं लिया गया, तो ये भी एक इसकी विशेषता है। खाता खोलने के लिए कोई लेन देन शुल्क नहीं लिया गया। जब अकाउंट ओपन करते हैं तो कई बैंकों की ये पॉलिसी होती है कि मिनिमम बैलेंस रखना होता है, मिनिमम अकाउंट पे खाता खोला जाता है, उसकी एक निर्धारित राशि होती है। हो सकता है वो राशि 500 रुपये हो सकता है वो राशि 10,000 रुपये हो। तो इसमें कोई भी लेन देन की शुल्क की सीमा को नहीं रखा गया। जमा पर 4% ब्याज का प्रावधान रखा गया। जमा राशि पर 4% ब्याज का प्रावधान जनधन योजना के तहत अनेक खाते खोले गए, जिसमें ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों की जनधन योजना के तहत जो भी भारत सरकार के द्वारा योजनाएं लागू की गई, उस योजनाओं में लाभान्वित परिवारों की जो भी राशि है इस जनधन योजना खाते के माध्यम से जमा भी हुई, जिससे लोगों की बचत प्रवृत्ति बढ़ी। कुल जमाओं का 4% ब्याज भी जनधन खाते के माध्यम से उनको दिया गया। एक धन का स्थानांतरण, जैसे मैंने आपको बताया धन का स्थानांतरण की हम बात करें, धन के स्थानांतरण का मतलब यहाँ हुआ सरकार से आने वाली मूलभूत योजनाओं से पैसा जो प्रत्येक ग्रामीण या शहरी परिवेश में रहने वाले लोगों को मिला तो आसानी से इस खाते के माध्यम से धन का स्थानांतरण भी हुआ। तो ये भी इसका महत्वपूर्ण है। तो धन का स्थानांतरण में भी जनधन खाते का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और भी इसमें एक मूलभूत सुविधाएं ये दी गई, जिसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी गई। जैसा कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में ये भी बताया कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है,
जैसा कि नाम से परिचित है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है आपकी जमा राशि के अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाना ओवरड्राफ्ट कहलाता है, जो कि अगर आपके खाते में मान के चले 10,000 रुपये हैं तो आपको बैंक 20,000 रुपये उपलब्ध करवा दे तो क्या हो गई, ओवरड्राफ्ट। वो आपकी साख पे निर्भर करता है। तो ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी गई जनधन, प्रधानमंत्री जनधन खाते के तहत। आगे एटीएम कार्ड की निशुल्क सुविधा भी दी गई, एटीएम निशुल्क उपलब्ध करवाया गया, ये भी इस जनधन खाते की महत्वपूर्ण विशेषता है। एटीएम फैसिलिटी निःशुल्क रूप से प्रोवाइड करवाना ये भी एक बहुत अहम है, क्योंकि एटीएम के माध्यम से आसानी से 24 घंटे के अंतर्गत कभी भी दिन में 24 घंटे में कभी भी कहीं भी किसी भी बैंक के एटीएम से आसानी से रुपए आप निकाल सकते हैं। और भी इसमें लग किया गया एक लघु बीमा योजना, 8वां पॉइंट की हम बात करें, लघु बीमा योजना। जनधन योजना के तहत जिसका भी खाता था उनको लघु बीमा योजना की के लिए भी प्रोत्साहन दिया गया, ये भी है। एक पेंशन योजना, अगर आप इस खाते में जो भी राशि आप रखेंगे तो पेंशन की फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध करवाएगी कि जमा राशि पे आपकी उपयुक्त पेंशन में बनाने का प्रावधान रखा। एक आधार से जुड़ाव भी रखा गया, अपना जो आधार कार्ड है उससे जुड़ाव, आधार कार्ड से खाते को लिंक किया गया, जोड़ा गया, जो कि वर्तमान में सभी बैंक आधार से लिंक खाते ही मान्य करते हैं, मानते हैं, उसको प्रावधान करते हैं। अब हम बात करें जनधन योजना खाते का या जनधन योजना का मेन उद्देश्य क्या था। जनधन योजना की हम बात करें तो इसका मेन उद्देश्य, देश के प्रत्येक गरीब का बैंक में खाता होगा और उसे बीमा, ओवरड्राफ्ट, ऋण की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी, ये भी एक महत्वपूर्ण है। ऋण की सुविधा भी एक इसकी विशेषताओं में शामिल है। इसमें ऋण सुविधा मतलब देश के गरीब परिवार के लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना, उनको साख उपलब्ध कराना, उनका बीमा करना, उनको ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध करवाना और ऋण उपलब्ध करवाना, इसका मुख्य उद्देश्य रहा। अब हम बात करें जनधन योजना के लाभ। जनधन योजना के लाभ की बात करें तो इसमें आओ बैंक के साथ जुड़ें, जीवन की खुशियों से भरे, ये इस योजना गरीबों का भाग्य बदल देगी, इसलिए इसका ध्येय वाक्य है मेरा खाता भाग्य विधाता। इसका मुख्य लाभ गरीबी रेखा से जीवन नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को खाते में उनके खाते खोले गए, जिससे देश के विकास में काफ़ी तेज़ी से अग्रसर हो सका। इस योजना में लगभग 30 करोड़ खाते खोले गए, तो ये इसका प्रमुख लाभ है, क्योंकि इसके दो विधेयक हैं जिसमें मैंने आपको बताया, आओ बैंक के साथ जुड़ें, जीवन खुशियों से भरें, ये है योजना। दूसरा मेरा खाता मेरा भाग्य विधाता जिसमें सम्मिलित है। अब हम निष्कर्ष रूप से हम बात करें कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में कंक्लूजन हमने निकाला कि निष्कर्ष रूप से हम क्या कहें, तो निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि यह योजना भ्रष्टाचार में कमी लाएगी और सरकारी सहायता नकद में न मिलकर खाते के माध्यम से खाते धारकों को मिलेगी, बीच में लूट कसोट नहीं होगी और गरीब लोगों को ब्याज खोरों से मुक्ति मिलेगी, जिससे इस योजना का सफल संचालन के लिए देश में और बैंक ब्रांच की आवश्यकता भी होगी। तो इसलिए ये अपना प्रधानमंत्री जनधन योजना थी जो कि मैंने आपको संक्षिप्त रूप में सारगर्भित तरीके से मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में यूनिट संख्या सेकंड का जो अंतिम चैप्टर है उनका हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे बैंक और ग्राहक क्या है, बैंक किसे कहते हैं, बैंकर किसे कहते हैं, ग्राहक किसे कहते हैं, बैंक और ग्राहक के बीच में सामान्य और विशेष संबंध कौन कौन से हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही बहुत धन्यवाद।